मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि पर। ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर अच्छा पड़ता है तो हम माला मान बन जाते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। और ग्रह का प्रभाव, ग्रह की दृष्टि हमारे जीवन ऊपर खराब पड़ती है तो मेहनत करते करते ही हम पीछे रह जाते हैं और कार्य में रुकावट आती, बाधाएं आती हैं। और जो हमारे साथीगण आगे बढ़ गए धंधे में, व्यापार में, और ग्रह की खराब दृष्टि के आधार से हम पीछे रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, धंधे में मन नहीं लगता है। ये सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव से होता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि। मित्रों, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। एक शांत ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है और लाभ देने वाला ग्रह है। मिथुन राशि के फर्स्ट हाउस यानी स्व घर में, फर्स्ट हाउस में मंगलदेव विराजमान है। और मंगलदेव प्लस मिथुन राशि का स्वामी बुध देव की युक्ति से एक बड़ा महायोग बनने जा रहा है मिथुन राशि के लिए। वो महायोग है अरबपति योग। मित्रों, ये आपके सप्ताह आपको अरबपति बना देगा, आपके धंधों में उछाल आएगा, आपके रुके हुए पैसे आने लग जाएंगे, आपके व्यापार धंधे में जो उग्राणी है सामने से आने लग जाएगी। क्योंकि बुध ग्रह आपके सफलता का चारों द्वार खोल देंगे और मंगल ग्रह लक्ष्मी को प्रभावित करेंगे, लक्ष्मी को खींचेंगे और आपके द्वार तक लाएंगे। तो मित्रों, ये एक सप्ताह पूरे 7 दिन आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, पूरी रुचि से अपने धंधे में ध्यान देना है, अपने व्यापार में ध्यान देना है। क्योंकि ये अरबपति योग, खरबपति योग आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सुबह उठ के 21 मंत्र मंगल देव के करने हैं और 21 मंत्र बुध देव के करने हैं। मंगल देव का मंत्र ओम ह्रीम सह गोमाय नमस्तुभ्यम शांति शांति। बुध देव का मंत्र ओम ह्रीम सह बुधाय नमस्तुभ्यम शांति शांति। ये 7 दिन सुबह सुबह स्नान करके माता जी के मंदिर के सामने 21-21 मंत्र कर लीजिए, फिर अपना व्यापार चालू कीजिए। आपको कोई अरबपति खरबपति बनने में रोक नहीं सकता है और आपके वर्षों पुराने कार्य रुके हुए हैं वो सफल हो जाएंगे, लक्ष्मी के द्वार खुलेंगे और आपके घर बैठे गंगा आएगी। और कोई भी कार्य जो विलम्ब से हो रहा था वो आपका कोई भी कार्य विलम्ब नहीं होगा और आप जितनी मेहनत करोगे उसका 100% आपको फायदा मिलेगा। आपके घर में मांगलिक कार्य रहेंगे और आपके संतान की सगाई में विलम्ब प्रॉब्लम आती है तो आपके घर बैठे रिश्ता आएंगे आपके संतान की और आप अपने संतान की मैरिज की सगाई की तैयारी कीजिए। क्योंकि ये बुध ग्रह और मंगल ग्रह आपको 11 प्रकार के शुभ कार्य में सफलता दिलाएंगे। मित्रों, ये 7 डेज आपको घुमाना नहीं है, अलर्ट होके सावधान होके बुध ग्रह और मंगल ग्रह का स्वागत कीजिए। क्योंकि आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे और आपको मालामाल करके जाएंगे। तो जरूर बुध ग्रह और मंगल ग्रह को प्रसन्न करना है जो मैंने मंत्र बताए हैं। सुबह सुबह 21-21 मंत्र कर लीजिए, आप याद करोगे पंडित जी आपने बताए हैं। क्योंकि हम कभी कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से हाउस में पड़ा है और ये ग्रह हमको क्या हानि पहुंचाएगा और कौन सा ग्रह हमको प्रॉफिट देगा। तो हम अलर्ट होते हैं तभी हम ग्रह का फायदा ले सकते हैं और अलर्ट नहीं होते तो हमारा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। तो जरूर ये प्रयोग कीजिए और करोड़पति मानव माल बन जाइए। नमस्कार।